देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के कुछ खास चीज़ों के बारे में जो आप नहीं जानते, जिनके बारे में सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है और कौन कौन सी बैंक कमर्शियल बैंक होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती, इस तरीके की हम बात करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दे रखा है सेंट्रल बैंक। आप जानते हैं इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, इसे हम बोलते हैं बैंकों का बैंक, मतलब बैंकों का बैंक, जितने भी बैंक हैं उन सबका एक ही कंबाइन करके बैंक, जो सबका कर्ता धर्ता होता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सबका एक तरह से पिता, जिसे बोल सकते हैं पिता, मतलब सबको कंबाइन करके जो बैंक बना हुआ सब सबको देख रेख करता है, तो वो बैंक है हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ, सॉरी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक और होता है हमारे पास फॉरेन बैंक। तो इसकी बात करें तो इसमें बात करते हैं, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है उसमें गवर्नमेंट की भागीदारी होती है 51%, जिसमें बैंक आते हैं आपके लिए SBI आता है, PNB आता है, देना बैंक आता है, जो हमारे पास इलाहाबाद बैंक है, जो इस टाइप के बैंक होते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं, जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग उसमें 51% रही हो या है प्रेजेंट टाइप में, तो क्या होता है वो कमर्शियल बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं या प्राइवेट इंसान होते हैं, जैसे आप भी अपना बैंक खोल सकते हैं, आप अपना अगर बैंक खोलना चाहते हो बैंक खोल सकते हैं, उसके लिए 500 करोड़ आपके पास होना चाहिए तब आप बैंक खोल सकते हैं अपना, तो प्राइवेट बैंक होगा आपका। लेकिन अगर उसमें गवर्नमेंट ने अपनी भागीदारी दी, अगर गवर्नमेंट ने उसमें अपनी शेयर होल्डिंग अगर 51 कर दी, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में जाए, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं रहेगा वो। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक में एग्जांपल देखें तो कौन कौन से बैंक हैं, HDFC आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक। ठीक है, अब देखो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो कंपनी एक्ट 2013, मतलब पहले क्या था कि ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक आर रजिस्टर अंडर अ कंपनी, मतलब एक कंपनी के अंडर क्या थे, रजिस्टर थे। अब बोल रहे हैं कि नाउ वी हैव न्यू कंपनी एक्ट, इस जो नया एक्ट बना है वो एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। अगर फॉरेन बैंक की बात करें तो फॉरेन बैंक से हमारा मतलब है कि ऐसा बैंक जिसकी ब्रांचेस इंडिया में हैं और अदर कंट्री में हैं, और इनके हेडक्वार्टर, मतलब फॉरेन बैंक के हेडक्वार्टर्स इंडिया में भी हैं और फॉरेन में भी हैं, लेकिन मैनेज करता है इंडिया उसे, मतलब इंडिया के हेडक्वार्टर से जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसके तहत वो मैनेज होता है, मतलब तो उसका मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेज किया जाता है उसे, तो वो होती है हमारे पास फॉरेन बैंक। जैसे सिटी बैंक है, SCBC, तो फ्रेंड्स इस टाइप की बैंक होती हैं जो फॉरेन कंट्रियों में, जो यहाँ से भी, यहाँ से कमांडेड, मतलब यहाँ से कमांड दी जाती है उन बैंकों पर, लेकिन हेडक्वार्टर वहाँ भी होते हैं, बट इंडिया में जो हेडक्वार्टर होते हैं वो उसके मेन कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इससे सहमत हैं, आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप तैयारी करते रहिए RRB की, RRB का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक नज़दीक है, और फ्रेंड्स आप जानते हैं बैंक्स के एग्ज़ाम बहुत जल्दी आते रहते हैं और बहुत ही कम टाइम रहता है, और इंटरव्यू में आपके सामने इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।